गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लास UKG। आज हम आपको जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे, GK में गुड हैबिट्स पढ़ाएंगे। पेज नंबर 124 रीडिंग बुक में, पेज नंबर 124। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। Wash your hands before and after meal. आपको हाथ धुलना चाहिए खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले। Brush your teeth twice a day. Brush your teeth twice a day. आपको ब्रश दो बार करना चाहिए, एक सुबह मॉर्निंग में और एक सोने जाने से पहले, खाना खाने के बाद। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। आपको हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। टेक बाथ एवरी डे। आपको रोज नहाना चाहिए, रोज नहाने से आप फ्रेश रहेंगे और आप कभी बीमार नहीं होंगे। अवॉइड जंक फूड। जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। शेयर योर लंच। आपको जो अपने फ्रेंड को लंच शेयर करना चाहिए, लंच जो है शेयर करके खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रोज करना चाहिए जिससे आप फिट रहेंगे। एक्सरसाइज रेगुलरली। अर्ली टू बेड। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम रात में जल्दी सोना चाहिए। कट योर नेल्स। अपने बढ़े हुए नाखून को हमेशा काटना चाहिए, उसमें जो है क्योंकि डस्ट हो जाती है और उससे जब आप खाना खाएंगे तो पेट जाएगा, उससे आपको बीमारी हो सकती है, इसलिए बड़े हुए नेल्स को हमेशा काटना चाहिए। वंस अगेन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। आपको हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको रोज दो बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह मॉर्निंग में सो के उठने के बाद और रात में सोने से पहले खाना खाने के बाद। ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। हमेशा हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, साफ कपड़े। टेक बाथ एवरी डे। हमें रोज नहाना चाहिए जिससे हम फ्रेश रहते हैं। अवॉइड जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। शेयर योर लंच। आपको लंच जो है शेयर करके करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको एक्सरसाइज रोज करना चाहिए जिससे आप फिट रहें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को रात में जल्दी सोना चाहिए। कट योर नेल्स। अपने बड़े हुए नाखून को आपको हमेशा काटना चाहिए जिससे उसमें डस्ट ना हो और आप साफ रखेंगे तो आप उससे बीमार नहीं होंगे। आपको इसको याद करना है, लिखना नहीं है, और इसमें से आप कोई नहीं पूरा याद कर सकते तो कोई 5 याद कर दीजिए, गुड हैबिट, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये याद करना है, लिखना नहीं है। थैंक यू।